हिना खान की मोस्ट अवेटेड शॉर्ट फिल्म लाइंस, जिसके लिए वो कांस फिल्म फेस्टिवल में भी पहुंची थी, उसके इंतजार में फैंस कई बार मुझसे ही सवाल पूछते हैं। मेरे वीडियोस के नीचे ये सवाल होता है कि आखिर हिना खान की लाइंस कब रिलीज होने वाली है। और अब फाइनली आप सभी का इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि आज हिना ने किया है एक बड़ा अनाउंसमेंट जिसको लेकर मैं आप सभी के लिए आ गई हूँ। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। विद्या बालन, नीना गुप्ता जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के और साथ में काम करके नाजिया का किरदार निभा के हिना खान ने लाइंस में जो है एक अहम किरदार निभाया है, जिसके बाद फैंस इस मूवी का बहुत बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। ये मूवी जो है रिलीज के पहले ही कई सारे अवार्ड शोज में कई बड़े बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत चुकी है। आर्ट और क्राफ्ट की अगर बात की जाए, जो कि रिलेट किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री से, तो उसका पूरा पूरा मिश्रण है इस फिल्म में। और अब फाइनली वुड सिलेक्ट पर होने जा रही है ये फिल्म रिलीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ओटीटी प्लेटफॉर्म वुड सिलेक्ट पर हो रही है हिना खान स्टारर लाइंस रिलीज, जिसको लेकर हिना काफी काफी एक्साइटेड है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ को प्रोड्यूस्ड फिल्म ऑफ हर। उन्होंने इसमें प्रोडक्शन का काम भी संभाला है। शी हैज नॉट जस्ट एक्टेड इन दिस फिल्म, एंड सो दिस फिल्म बिकम्स रियली स्पेशल टू हर। बता दें आपको कि वैसे अगर लाइंस समय पर रिलीज होती, शायद ये हिना खान का डेब्यू भी होती इन द फिल्म्स, लेकिन ये फिल्म जो है रिलीज होते होते काफी देरी कर गई, और इस वजह से फैंस के बीच में भी इस मूवी को लेकर काफी बस था कि आखिर क्यों नहीं हुई है लाइंस रिलीज। तो लीजिए, फाइनली हो रही है लाइंस रिलीज, और इस फिल्म को किस तरीके से आप करेंगे प्यार, किस तरीके से जो है आपका प्यार इस फिल्म को मिलेगा, ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वुड सिलेक्ट पर होने वाली है ये फिल्म रिलीज, जिसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।